संकेत हमेशा की तरह आज भी कुछ यहाँ पर कंसर्न्स नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक ठाक ही संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी 64 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन भारतीय बाजार इन सब से दूर और यहाँ पर अपनी ही चाल देखने को मिल रही है और भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़ते हुए नजर आया और सबसे 22,000 के नीचे की कल क्लोजिंग देखने को मिली। कल एक्सपायरी भी थी और कल के दिन हमने देखा 22,000 के नीचे की क्लोजिंग भी देखने को मिली। यहाँ पर वजह है FIIs की तरफ से जो भारी सेलिंग हो रही है इंडियन मार्केट्स में, और कैश मार्केट में लगातार 6 दिनों से बिकवाली है, करीब 33,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। और कल का भी आंकड़ा देखिए, 7,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है FIIs की तरफ से कैश मार्केट में। लेकिन DIIs भी सामने से पूरी तरीके से सहारा दे रहे हैं और DIIs की तरफ से खरीदारी तो हो रही है और कल भी 5,640 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है DIIs की तरफ से, लेकिन हावी हो रहा है बिकवाली का आंकड़ा और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार जो गिरावट है उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में भी एक बार देख लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में तो 3,882 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब 17,600 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी FIIs करके गए इंडेक्स ऑप्शन में। तो आप आज इन आंकड़ों को कैसे देखें, भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे और आज शुरुआत कैसी रह सकती है, ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की शुरुआत कैसी हो सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल मार्केट ने एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स दिखाते हुए अपने दो सपोर्ट को एक ही दिन में तोड़ दिया। 22,200 को भी कल ही कल में तोड़ा और 22,000 को भी एक कल ही कल में तोड़ा, और उसके नीचे ना केवल तोड़ा बल्कि उसके नीचे क्लोज भी किया। तो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है मार्केट की कि मार्केट को अभी भी किसी भी तरह का कोई मेजर सपोर्ट किसी भी एंगल से नहीं मिल रहा। देखिए भाई, आप DIIs के नंबर पर पढ़ रहे थे कि DIIs ने खरीदारी की है। DIIs तो पिछले 10 दिन से खरीदारी कर रहे हैं जब से FIIs बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार क्यों गिर रहा है? उसके बावजूद बाजार इसलिए गिर रहा है क्योंकि DIIs की जो नेट में अगर आप नंबर देखेंगे ना तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन जरूर चेक करनी चाहिए, उसमें अगर आप देखें तो पिछले 10 दिन नहीं, पिछले 1 महीने से किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। तो जो टर्न अराउंड हो रहा है, जो हार्ट बदला हो रहा है, वो सिर्फ FIIs और रिटेल के बीच में हो रहा है, जो कि ज्यादा गंभीर होता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और एक बहुत वीक कैंडिडेट है, उन दोनों के बीच में एक्सचेंजेस हो रही है। इसलिए आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर सडन फॉल आ रहे हैं। ये पहले एक तरह का बैरियर होता था कि रिटेल DIIs बीच में आ जाते थे, लेकिन अब वो नहीं है बीच में। तो इसलिए जो स्टीप फॉलिंग और स्टीप राइज हो रहा है ना मार्केट के अंदर, इसी वजह से हो रहा है और इसी वजह से इंडिया विक्स के अंदर भी हमने तेजी से बढ़त बनते हुए देखी है। अब आ जाते हैं कल निफ्टी के अंदर क्या हुआ। देखिए कल निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्ट सबसे बड़े हैं, ना केवल सपोर्ट टूटे बल्कि कन्विक्शन भी टूटा। और दूसरा पॉइंट, तो ये वीकली एक्सपायरी के दिन और होता है तो इसके अंदर क्या होता है, लॉस होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने कल कॉल्स की पोजिशन ले रखी थी स्टार्टिंग में। मैं डाटा भी चेक कर रहा था, काफी बड़ी पोजिशन कॉल्स की थी और उसके बाद 12 बजे के बाद इसको बिल्कुल धराशाही कर दिया गया, यानी कि सारे कॉल्स के प्रीमियम को ईट कर लिया गया। तो कुल मिला के आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, जब तक लेवल्स में आपको कहीं भी सिग्नल ना मिले तब तक आप बाय ना करें। आपकी मन की बात हो सकती है कि देखिए बाजार बहुत गिरा है, अब ऊपर आ जाना चाहिए। तो कल भी लोग सोच रहे थे, यही सोचने वाले लोग परसों भी सोच रहे थे, तो लेकिन 2 दिन का लॉस उन्होंने दिया। तो इसलिए मन की बात ना मानते हुए लेवल्स की बात मानना इसमें बहुत जरूरी है, और लेवल्स में अभी कहीं भी कोई भी सिग्नल नहीं है बाय के, कोई भी सिग्नल नहीं है। हाँ, एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वो भी मैं बने बता देता हूँ, वो पुट कॉल रेशियो की वजह से छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। दूसरा, हमारे पास अब सिर्फ 200 दिनों का एवरेज बाकी रह गया है निफ्टी का, हमने ऑलमोस्ट सारे एवरेजेस तोड़ रखे हैं। तो 200 दिनों के एवरेज टिपिकली बाजार तोड़ता नहीं है, हालांकि वो बहुत डीप है, वो 20,800 के आसपास बनती है, बट फिर भी अपने माइंड में आप ये भी रख सकते हैं कि 20,800 भी आ सकता है बाजार में, जब गिरने पे आया तो। कुल मिला के जिनके पास पोजीशन है वो अभी अपने स्टॉप लॉसेस उनके सारे फ्री हो गए, सीरीज के स्टॉप लॉस भी कट गए, अभी थोड़ा शांति से बैठे। आज आपको हो सकता है गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ऊपर दिख रहा हो, लेकिन इस पर ज्यादा ट्रस्ट ना करें। अगर पुल बैक आता भी है तो एक छोटा पुल बैक होगा और उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा, लोग उसमें एग्जिट के बारे में ज्यादा सोचेंगे बजाय खरीदारी करने के बारे में। तो इसलिए आप उस पुल बैक अगर आता है तो उसको एंजॉय कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, एक छोटा सा पुल बैक आएगा, अगर आया भी तो वो भी कंडीशन है, अगर आया भी तो। इसलिए फिलहाल अभी कोई नई पोजीशन ना लें, थोड़ा सेटल हो जाने दें, उसके बाद ही फिर देखते हैं कि पोजीशन मंडे से कैसे बनती है। सेम विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने कल 48,000 ब्रेक कर दिया, 47,500 ब्रेक कर दिया और वो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स में नीचे आ गया है। तो उसके अंदर भी अभी जल्दबाजी ना करें, अगर आज खरीदारी आपको लगता है कि यहाँ पुल बैक आएगा
तो फिर आप आज ही आज के लिए लेना, आप ऐसा मत सोच के लेना कि मैं कल भी इसको लेके जाऊंगा, फिर आप आज ही आज के लिए ट्रेड करो खाली। तो अगर पुल बैक जितना भी आपको मिलता है आज ही आज का, तो आज का एक इंट्राडे लो और साइड स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन थोड़ी बहुत जो भी लेनी है तो आप वो ले लेना, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ऑप्शन वाले कृपा करके सावधान रहे, मार्केट के अंदर काफी वॉलिटिटी है और कल भी हमने 18 के लेवल के ऊपर विक्स को जाते हुए देखा, तो चरम पर वॉलिटिटी है, सावधान बी अवेयर। ठीक है, तो बाजार में सतर्क रहिए, ऑप्शन ट्रेडर्स काम ना करें, यह है सलाह आपके लिए। और सेल ऑन राइस का मार्केट ही नजर आ रहा है यहाँ पर, फ्रेश एंट्री करने की गलती ना करें। कोई पुलबैक मिलता है तो जिनके पास होल्डिंग है लॉन्ग साइड की, वो निकलने की कोशिश करें यहाँ पर धीरे धीरे बाजार से, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इंडिकेट कर रहा है। कल का जो हम देख रहे थे 2-3 दिन से जो बाजार के सपोर्ट लेवल्स थे, अब वो रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है और बैंक निफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको बताए हैं। तो आज ही के लिए ट्रेड करिए अगर आपको करना है तो, और इस रेंज में करिए, और कोई भी उछाल मिले निकलने की कोशिश कीजिए बाजार से, यह है सलाह आपके लिए। बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जी। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की, और आपने ट्रेड्स भी बताइए आज के लिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट शो में जब मैं कल की तैयारी कर रहा था तो वहाँ पे मैंने 22,350 के नीचे शॉर्ट इनिशिएट करवाया था 22,000 के टारगेट के लिए, जो कल टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच में देखेंगे। देखो, गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा बाउंस बैक, तो बाउंस बैक अगर आता है मार्केट में 22,080 से लेके 22,120 इस रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करके चल सकते हैं। जो भी उछाल आएगा उसमें हम लोग बिकवाली करेंगे, तो 22,200 ये हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, मोटा मोटी अगर हम लोग कहेंगे तो 80 से लेके 100 पॉइंट का। और फिर से हम लोग पहला टारगेट प्लान करेंगे 22,000 के नीचे, मतलब कल का जो लो लगाया था 21,950 के आसपास, वो वाला लो हमारा पहला टारगेट होगा। लेकिन कंडीशन एक ही होगा, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ने फिर से चढ़ना चालू कर दिया तो 22,400 तक भी जा सकता है। तो 22,120 इस रेंज में अगर मार्केट मिलता है तो उस रेंज के ऊपर हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए, और नीचे में टारगेट 21,950 से लेके 21,800 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बाइंग का फिलहाल थोड़ा सा अभी अवॉइड करें, जब तक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है तो अवॉइड ही करना चाहिए। और ट्रेंड को कंटिन्यू रखते मैं एक स्टॉक के साथ जाना पसंद करूंगा, वो होगा REC। REC में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बढ़िया रनअप के बाद फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आज है 512 कंडीशनल ट्रेड होगा, 512 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। 517 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 500 से देखे 490। ये टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तो REC में हम लोग शॉर्ट करके चलेंगे। इंडेक्स के ऊपर सेल ऑन राइज का रणनीति अपनाना चाहिए। बिल्कुल, तो डिम्पी भी थोड़े पहले यही बता रहे थे और नितेश जी का भी यही कहना है कि सेल ऑन राइज लेके चले, यही रणनीति बना के चले। और स्टॉक स्पेसिफिक में एक ही ट्रेडिंग आइडिया है आपके लिए, REC। ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, जहाँ पर श्योर श्योर ट्रेड नजर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट भी आपको वही ट्रेड सुझा रहे हैं। और आज REC में आप बिकवाली करके चल सकते हैं अगर 512 के नीचे आए तो, 500 और 490 के लक्ष्य के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले